A very good morning class 2nd. This is your maths class chapter number 2. Exercise 2.4. In question number 3, you have to circle the smallest number. Here are 4 options. You have to circle the smallest number. Okay, children. Question number 3 mein. क्वेश्चन नंबर 3 आपको कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्मॉलेस्ट नंबर पर सर्कल करना है. यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जो स्मॉल नंबर उस पर सर्कल करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर ए. नाउ वी विल कंपेयर द नंबर गिवन फर्स्ट विद द नंबर विच इज ऑन द 100th place and the number which is the smallest will be the smallest number. Okay, उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या 4 options दिए गए हैं. हम सब इन 4 option में compare करेंगे. 4 options हैं जो number दिए हुए उनको compare करेंगे. हम उसके लिए सबसे पहले 100th place पे जो digit है उसको compare करेंगे. उसमें से जो स्मॉल नंबर होगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा. क्वेश्चन नंबर ए में हम इस तरह से देखते हैं. यहाँ पर हमने सभी नंबर्स को ऊपर डिजिट प्लेस डाल के एक लाइन से लिख लिया है. यहाँ पर अब 100 प्लेस पे जो नंबर्स है उनको कंपेयर करते हैं. फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 5, थर्ड पे भी 5 और सबसे लास्ट में आपका 3 है. यहाँ पर 2 डिजिट सेम है, 5 5. एक डिजिट है जो सबसे बिग है 6 और सबसे स्मॉल है इसमें 3. तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका नंबर होगा 377. आप 377 में यहाँ पर सर्कल कर देंगे. क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं. क्वेश्चन नंबर बी को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. पहले हम एक चार्ट बनाएंगे. चार्ट बनाने के बाद 100 प्लेस पे जो डिजिट है उनको कंपेयर करते हैं. अगर 100 प्लेस पे जो डिजिट होती है वो सभी सेम होती हैं तब हम 10th प्लेस के डिजिट को कंपेयर करते हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर 8 और 8 सेम है, 6 है, 2 है. इनमें से सबसे स्मॉल जो नंबर है वो आपका 2 है. 269 आपकी स्मॉल नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, इस पर आप सर्कल कर देंगे. क्वेश्चन नंबर सी में 292, 212, 251, 853. तो आप क्वेश्चन नंबर सी में 212 पे सर्कल करेंगे. क्वेश्चन नंबर डी में आपका 109 होगा. क्वेश्चन नंबर ई में 718. क्वेश्चन नंबर एफ में 293. ये आपके स्मॉलेस्ट नंबर होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर. अब इस क्वेश्चन में आपको बिग नंबर पे सर्कल करना है. क्वेश्चन नंबर ए में हम देखते हैं, इसको भी इसी तरह से हम चार्ट बना लेंगे. इसमें अब हमको बिग नंबर ढूंढना है. तो आपका 7486 में बिग नंबर है आपका. 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 7486 है और इनमें बिग नंबर है आपका 8. 8 पे 865 आपका बिग नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, इसे आप सर्कल कर देंगे. क्वेश्चन नंबर बी में आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 783. क्वेश्चन नंबर सी में 903. क्वेश्चन नंबर डी में 829. क्वेश्चन नंबर ई में 466. क्वेश्चन नंबर एफ में 715. ओके चलन, इसी तरीके से आप चार्ट बना के कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद आप बुक में इसे सर्कल लगाएंगे. ओके, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. थैंक यू क्लास.